आज का पौधा दोस्तों हमारा गुड़हल का पौधा है। गुड़हल के पौधे में अप्रैल में यदि दोस्तों आपके पौधे में इस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो निश्चित जानिए कि आपके पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, और न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण से इस तरह से पत्तियां जो है पीली हल्की सी पड़ना चालू हो जाती हैं, और दोस्तों इसकी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। इसका पहचान यही है, देखिए कलियां भी आई हुई है, सब कुछ आया हुआ है, लेकिन इसमें भी देखिए पत्ती छोटी हो गई है। इसका मतलब है कि इसमें न्यूट्रिशंस की कमी है। तो दोस्तों इसी कमी को पूरा करने के लिए और कुछ हम ऐसे इसमें अपने जो मूलभूत हमारी खादें हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों इस तरह से एक हमारे पास देखिए ये सफ़ेद सी चीज़ है, इसको भी हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डालेंगे तो दोस्तों इसकी पत्तियां बड़ी होने लगेंगी और फिर ये फ्लावरिंग इसी तरीके से आगे भी करता रहेगा, इसको भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आर्मी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे पर अप्रैल में कुछ काम करने हैं, क्योंकि हमने 3-4 महीने पहले जो काम किया था जनवरी में, उसके बाद इसमें न्यूट्रिशंस की कमी होना स्वाभाविक है। अब उस न्यूट्रिशंस की पूरी करने के लिए दोस्तों हम इसमें कुछ काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो हम दोस्तों इसमें जो हमारे ये जैसे सूखे हुए फूल हैं इसको काट देंगे, इस तरीके से हटा देंगे इनको, इसका लोड कम कर देंगे। ये दोस्तों देखिए इसमें कुछ अगर पीली पत्तियां हैं, नीचे चेक करेंगे कि इसके अंदर कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, तो कीड़े तो दोस्तों इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पत्तियां छोटी हो रही हैं और कुछ हल्की सी डार्क कलर नहीं है, ये कुछ पीलेपन पे आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रिशंस की कमी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से कल्टीवेटर लेंगे और इसकी इस तरीके से निराई गुड़ाई करेंगे। अब हमने ये निराई गुड़ाई इस तरीके से कर लिया है और इसकी हम मिट्टी जो है इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। देखिए ये कुछ जड़ें भी देखिए ये दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर थी इसलिए थोड़ा सा कट गई है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम दोस्तों इसमें हम ये न्यूट्रिशंस डालेंगे। दोस्तों ये हमारे पास बर्मी कंपोस्ट, इसका जो है करीब 1.5 मुट्ठी के आसपास, और दोस्तों 1 मुट्ठी हम ये नीम खली पाउडर ये हमारा है इसको डालेंगे, और दोस्तों 1 चम्मच ये हमारा राग फास्फेट है। राग फास्फेट में दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस तथा दोस्तों जिंक की भरपूर मात्रा होती है। तीसरा है दोस्तों ये हमारे पास चौथा आइटम है सन साल्ट, इसका भी 1 चम्मच हमने लिया है, और दोस्तों फंगीसाइड इसमें डालने के लिए हमने लिया है ट्राइकोडर्मा 1/2 चम्मच करीब। अब इन पूरे को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिला लिया, अब हम इस मिट्टी में इस गमले की चारों तरफ इसको फिट कर देंगे इस तरीके से। ये हमने दोस्तों इसमें फीड कर दिया और फिर इसी मिट्टी को ऊपर से इस तरह से ढक देंगे और ये हमारा कवर हो गया। इसलिए कवर कर दिया दोस्तों ताकि जो न्यूट्रिशंस है इसके अंदर हो, जो जीवाणु है वो इसके अंदर सूर्य के प्रकाश जब पड़े तो वो ना मरे। दोस्तों अब हम इसमें अपनी जो हमने आपको एक सफ़ेद सी चीज़ दिखाई थी उसका हम फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास दोस्तों चूना, आपको भी इस तरीके से लगभग 50 ग्राम चूना लेना है और इस चूने को दोस्तों 1 लीटर पानी में इस तरीके से आपको मिला देना है और इसको लगभग आपको 12 घंटे इस तरीके से रख देना है। 12 घंटे बाद दोस्तों हम इसके ऊपर वाले पानी को प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमने जो है इससे पहले 12 घंटे पहले हमने ये अपना भिगो करके चूना रख रखा था इस तरीके से, ये हमारा बन करके तैयार है। तो दोस्तों अब हम इसको अपने पौधे में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है, ये पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। कैल्शियम की मात्रा ही पौधों में जब कमी होती है तब उनकी पत्तियां इस तरीके से जो है पीली पड़ना चालू हो जाती है, कलियां छोटी बनती हैं और दोस्तों फूल भी छोटा बनता है। अगर हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने गमले में प्रोवाइड कर देते हैं, इस पौधे को दे देते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर पत्तियां बड़ी साइज में आने लगेंगी, इनका क्लोरोफिल बढ़ जाएगा तथा दोस्तों फूल भी साइज में बड़े होने लगेंगे और ढेर सारा मात्रा में ये हमें फूल देंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर वाला पानी हम इस तरीके से ले लेंगे, ये लगभग 250 ml के लगभग हमने ये पानी ले लिया। दोस्तों अब हम इसको अपने पौधे के चारों तरफ गमले में इस तरीके से डाल देंगे
और डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें पानी दे देंगे, इसको पूरा कर देंगे क्योंकि हमने खाद डाला है, और इतना ही देंगे ताकि ये गमले से बाहर निकले ना, लेकिन ये मॉइस्चर पूरे गमले में पानी का हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से यह प्रक्रिया यदि आप अप्रैल के महीने में मिड अप्रैल में लगभग अपनाते हैं तो आपके पौधे पर ढेर सारी कलियां तो आ ही रही हैं, आएंगी भी, और दोस्तों फूलों का साइज बड़ा हो जाएगा और कलियां भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। पत्तियां ये जो पीली पड़ रही हैं इसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो गई है, जब हमने इसको बूस्ट कर दिया है दोस्तों अब इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और ये बड़ी बड़ी होंगी, और दोस्तों हमारी ये कलियां भी बड़ी बड़ी होंगी और फ्लावर भी बड़े होंगे। क्योंकि इस समय दोस्तों देखिए गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि इसकी वजह से भी इनकी कलियां छोटी हो गई हैं, फ्लावर भी छोटे हो गए हैं। इनमें भी देखिए कलियां छोटी छोटी हैं लेकिन फ्लावर भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इस तरीके से छोटे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये बर्न भी हो जा रहे हैं, इनको आप सेव करिएगा गर्मी में दोस्तों। यदि हो सके तो आप, अगर आपके पास कंडे हैं तो कंडों को जो है इसके ऊपर बिछा दीजिए और फिर पानी देते रहिए, तो दोस्तों ये गर्मी से भी ये छुटकारा पाएंगे और इनको न्यूट्रिशंस भी मिलेगा। इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाएगा दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया अपनाएं। तो मेरे द्वारा ये दो जानकारी दी गई है वह यदि आपको अच्छी लगी हो, आप इससे संतुष्ट हुए हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।